सांप इस धरती पर 13 करोड़ सालों से मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांप डायनासोर के युग से है। आज हम आपको सांपों से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। यमन, कुवैत और सऊदी अरब में एक ऐसा सांप पाया जाता है जिसके सिर पर 2 सींग होते हैं। इन्हें हॉर्न वाइपर सांप कहा जाता है। अफ्रीका में पाया जाने वाला सांप ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, क्योंकि इसके द्वारा काटे जाने के बाद 95% लोगों की मौत हो जाती है। दुनिया के हर कोने में सांप पाए जाते हैं, लेकिन अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सांप नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सांप बर्फीली जगहों पर जिंदा नहीं रह सकते। सांप अपनी चमड़ी 1 साल में 3 बार निकालते हैं और चमड़ी उतरने के बाद सांप फिर से फुर्तीला और तरोताजा महसूस करने लगता है। पानी में रहने वाली सांप की प्रजाति सांस लेने के लिए अपनी चमड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सांपों से जुड़े जानकारों का कहना है कि सांप की 70% प्रजातियां ही अंडे देती हैं, जबकि 30% प्रजातियां बच्चों को जन्म देती हैं। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा सांप कहा जाता है। इनकी औसतन लंबाई 18 फुट तक होती है। इसके जहर की 7 मिलीमीटर मात्रा 20 आदमी या एक हाथी को मार सकती है। हरा एनाकोंडा दुनिया का सबसे वजनदार सांप होता है। इस सांप का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। दुनिया में 2500 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें केवल 20% सांप ही जहरीले होते हैं। लेकिन फिर भी भारत में करीब हर साल 2.5 लाख लोगों को सांप काट लेता है और उनमें से लगभग 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि वे उन्हें सीधा ही निगल जाते हैं। सांप ज्यादातर मेंढक, छिपकलियों, पक्षी और चूहों को खाना पसंद करते हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला अजगर छोटी गाय जैसे जानवर को भी निगल सकता है। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक सांप एक बार में अपने से 70 से 100% बड़े शिकार को बड़ी आसानी से निगल सकते हैं।